पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी, साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूंगा ये कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका अगर उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इंटू मनी, इंटू रेवेन्यूज। तो ये एक चीटिंग हुई है एडवर्टाइजर्स के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ, और उसी प्रकार का गुनाह हमने दाखिल भी किया है। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको इसकी कितनी जानकारी थी या वो सिर्फ इस स्कैम के विक्टिम्स हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है, उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। जो इस केस में अक्यूज नंबर वन है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है इसलिए आप उनसे नाखुश हो, और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर वन, किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य। आखिर में कमिश्नर साहब ये बताएं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनको विश्वास है कि ये जो बहुत ही बड़े संगीन आरोप आपने लगाए हैं उनको आप एक अदालत में, टेलीविजन चैनल पर नहीं, बहस के दौरान नहीं, जज के सामने अदालत में साबित कर पाएंगे? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ये केस अदालत में खड़ा हो पाएगा? अदालत में खड़ा करने के लिए हमारे पास 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन का समय है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कुछ एविडेंस आई है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है आगे की एविडेंस इकट्ठा करना, वो इकट्ठी एविडेंस की जाएगी और जिसके विरुद्ध एविडेंस आएगी, आरोप सिद्ध होंगे, उनको चार्जशीट किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। दैट वॉज द मुंबई पुलिस कमिश्नर स्पीकिंग टू अस ऑन इंडिया टुडे एंड आज तक। He claims he is confident that he has the evidence to establish these charges in a court of law. But as we've been saying on India Today, you know, the ultimate test is whether these charges can be proven in a court of law or not. They don't need to be established in a kangaroo court or on TV or in a debate. The weight of evidence needs to be held in a court of law, and we'll track whether or not that happens very closely.